हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खेलने जा रहा हूँ पाल वर्ल्ड। और गाइस, इस गेम में हम पॉकेमॉन जैसे दिखने वाले पाल्स पकड़ सकते हैं, उनसे फाइट करवा सकते हैं, उनसे अपना काम भी करवा सकते हैं। एंड गाइस, इनकी मदद से हम अपना खतरनाक सा बेस भी बनाने वाले हैं। और गाइस, इस गेम में बड़े पाल्स भी होते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए, उनको कैद करने के लिए ये हमारे छोटे पाल्स हमारी मदद करते हैं। और गाइस, एक बार बड़े पाल्स अगर मैं कैप्चर कर लूं, तो उसके बाद तो भाई इस गेम के किंग बनने वाले हम लोग। तो गाइस, आज का मेरा टारगेट है कि आज मुझे लेवल 30 का पाल्स कैप्चर करना। तो गाइस, क्या आज मैं लेवल 30 का पाल पकड़ने में कामयाब होता हूं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। ऑलराइट गाइस, मैंने अपना कैरेक्टर बना लिया है और अपने कैरेक्टर का नाम मैंने दिया है रॉकी। और ये तीन क्यूट से पाल रॉकी को देख के भाग गए भाई। और रॉकी भाई यहां पे गिरे पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी बोट टूट चुकी है। ये कोई आइलैंड दिख रहा है और सामने की तरफ मुझे दिख रहा है एक आईपैड, द टावर्स आर द की, द ट्री होल्ड द ट्रूथ। तो भाई बहुत ही अच्छा कोड है। और ये वो आइसलैंड है जहां पर आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारे पाल्स पकड़ेंगे, यानी कि पॉकेमॉन्स। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट रिस्पॉन हो गए हैं और मैं बाहर निकल रहा हूं। और ये गेम की जो ग्राफिक है भाई, नेक्स्ट लेवल गेम बना है, सही में बहुत अच्छा गेम है। और फिजिक्स वगैरह भी जो है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, एनिमेशन भी अच्छा लग रहा है। और आते ही ये क्या है, चील क्या है भाई ये? अच्छा, तो ये मैंने एक फास्ट ट्रैवल को अनलॉक कर लिया है। और यहाँ पर एक बंदा दिख रहा है मुझे बेरोजगार सा, तो इस बेरोजगार से बात करते हैं भाई, हाथ सेक रहा है ये, बात कर लेते हैं इससे। तो गाइस, मैंने इससे बात किया और इसने मुझे 10 वुड दे दिया है। और इसने बोला है कि यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है तो वुड और स्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और मुझे यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स बनाना है। तो वेपन्स वगैरह हम लोग बनाएंगे, बट मैं पहले देखना चाहता हूँ यहाँ के पाल्स। तो भाई ये क्या है, लंबॉल नाम है इसका और ये वहाँ पर था, मुझे उठाने में था ये, तो मैं इससे फाइट ले लेता हूँ भाई, देखते हैं कि कितना दम है इसके अंदर। तो ये एक में ही तो सो गया था भाई। ओ भाई, बहुत खतरनाक है यार ये तो। अच्छा खासा इसका जो डैमेज होगा, उसका बहुत ज्यादा डैमेज होगा क्योंकि ये रोल मारता हुआ मेरे पास में आया था। बट गाइस, ये मुझसे जीत तो नहीं पाएगा। अरे भाई, अच्छा मेरा स्टैमिना खत्म हो गया, वही मैं सोच रहा कि ये फाइट क्यों नहीं कर रहा है, अचानक से रुक क्यों गया। तो ठीक है भाई, मैंने इसे मार तो दिया है और इससे मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वूल मिलेगा या फिर इसका मटन मिलेगा। वूल मिला है 3 और मटन मिला, ओके। तो गाइस, यहाँ पे मुझे एक और पॉकीमॉन दिख गया जो कि मुझे उठाया था वहाँ पर, तो मैं इससे भी पंगा लेके इससे भी मार देता हूँ क्योंकि मुझे और भी फूड्स की ज़रूरत होगी। तो ये चिकन है, तो इसका नाम वैसे चिकी भी है बट ये चिकन ही के जैसे ही काम आएगा। इसका लॉलीपॉप लेते हैं और इन्वेंट्री में रखते हैं भाई, आगे काम आएगा हमें फूड के लिए। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पर इतना तो वुड जमा कर लिया कि मैं इस बेंच को बना सकता हूँ, तो इस बेंच को क्रिएट कर लेते जल्दी से। इसके बाद में इसके ऊपर बनाएंगे हम लोग बहुत सारे वेपन्स। और ये जो बनाने का, ये क्रिएट करने का जो एनिमेशन था वो नेक्स्ट लेवल था भाई। तो फिलहाल मैं बना सकता हूँ एक स्टोन पिकैक्स, तो स्टोन पिकैक्स से स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं, एयर फोल्ड करते हैं, ये बनाने लग जाएगा। और एनिमेशन देखो भाई, ज़बरदस्त एनिमेशन दिया है भाई इसका, बहुत ही अच्छा। तो एक्वायर कर लेते हैं और इससे स्टोन पिकैक्स से ये ऑब्वियसली स्टोन ही टूटेगा, तो एक बार में एक एक स्टोन यहाँ पे कलेक्ट हुए जा रहा है भाई। स्टोन इंटू 6, 7, 8, 9 हो गया भाई। चलो ठीक है, इतना ठीक है अभी के लिए। अभी मैं देखता हूँ कि मैं एक्स बना सकता हूँ या नहीं। तो गाइस, एक्स बनाने के लिए मैं बना सकता हूँ, स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद मैं होल्ड करूंगा मैं, और ये एक्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब वुड का और स्टोन का कोई मसला नहीं होगा भाई, क्योंकि मेरे पास में है अब वेपन। अब मुझे बनाना है पाल स्पीयर और मुझे पकड़ने बहुत सारे पाल्स। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने 2 वेपन तो ऑलरेडी बना ही लिया था और मैंने वुड और स्टोन भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। बट यार गाइस, इससे पाल स्पीयर बन रहा नहीं है। पाल स्पीयर बनाने के लिए मुझे ब्लू कलर के पत्थर की जरूरत होगी और वो ये रहा पाल स्पीयर, इससे बनता है, तो मैं इसे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस फ्रेगमेंट को तोड़ते तोड़ते मेरी नीचे नजर गई और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का कुछ चमक रहा, मुझे वो चाहिए, मैं जा रहा हूँ वो लेने के लिए। और मैं अगर पानी में जब मारूंगा तो ऑब्वियसली मेरी हेल्थ तो नहीं जाना चाहिए इतनी, तो मैं पानी के अंदर जंप मारा और मेरी हेल्थ नहीं गई भाई। ओ भाई, इतनी सारी हेल्थ चले गई यार, कोई बात नहीं। और इस गेम के अंदर एक और खासियत है कि भाई ये किसी भी दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, तो इससे लेते हैं। और इसका क्या काम है, स्टैच्यू ऑफ पावर टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कैप्चर पाल्स। ओके भाई, तो हमारी एबिलिटी जो है ये इम्प्रूव कर दिया है कि हम लोग जब भी कैप्चर करेंगे ना किसी भी पाल्स को, तो उसके अंदर हमारी एनर्जी पावर जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, बढ़िया है भाई। ऑल राइट गाइस, तो मैंने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करके लेकर आ गया हूँ, अब मुझे पाल स्पेयर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट गाइस, पाल स्पेयर बनाने से पहले यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ वुडन क्लब, क्योंकि गाइस मैं नीचे जब फाइट कर रहा था
छोटे मोटे पाल से, और मैं उन लोगों को एक एक्स मार रहा था, एक दो एक्स में वो लोग मर जा रहे थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो, मुझे अगर उन लोगों को कलेक्ट करना है तो उनको थोड़ा सा मारना होगा, उनको वीक करना होगा, तो वुडन एक्स वहाँ पर मुझे काम आएगा। तो मैं इसे बना के रख लेता हूँ। अब मैं बनाता हूँ पाल स्पीयर, बट यहाँ पर आ रहा नहीं है यार गाइस। ऑलराइट गाइस, अगर मुझे पाल स्पीयर बिल्ड करना है तो मुझे उसे अनलॉक करना होगा, और उसे अनलॉक करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी में जाना है, और यहाँ से मैं उसे अनलॉक कर सकता हूँ पाल स्पीयर को। और यहाँ से पाल बॉक्स को भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ, कैंप फायर को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। मेरे पास में 10 पॉइंट है, तो मैं जो भी अनलॉक कर सकता हूँ वो मैं अनलॉक कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए बो भी है मेरे पास में भाई, स्टार्ट में ही मुझे बो और एरो मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब, मैं आप लोगों को गेम में ही दिखाऊंगा भाई वो चीज। तो बैट भी मैंने अनलॉक कर लिया, बाकी की चीज हम लोग बाद में अनलॉक करते हैं। अब मैं जल्दी से सब कुछ क्रिएट करता हूँ और चलते हैं जल्दी जल्दी पोकेमॉन पकड़ने के लिए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं पाल स्पीयर बनाने के लिए रेडी हो गया हूँ। मैं अभी फिलहाल 5 पाल स्पीयर बना सकता हूँ, तो स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं और इसे बना लेते हैं। ओके गाइस, अब मैं 5 पोकेमॉन्स को पकड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में है 5 पाल स्पीयर्स। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे बो बिल्ड करने की कोशिश किया था, बट मेरे पास में लूट कम है, तो मैं लूट कर आता हूँ और उसके बाद में मैं बनाता हूँ बो। ऑलराइट गाइस, मैंने लूट तो कंप्लीट कर लिया, बट कुछ ज्यादा ही लूट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर है मेरा जो रॉकी भाई है भाई, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। अब मैं जल्दी से बना लेता हूँ यहाँ पे बो, और बो बनाने के बाद में जो बैटल होने वाला है भाई पोकेमॉन के साथ में, आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जितने बड़े मुझे जितने बड़े पाल्स मिलेंगे उससे मैं फाइट करने वाला हूँ, उससे बैटल लेने वाला हूँ, और उन लोगों को मैं मार गिराने वाला हूँ भाई, जो भी लेवल का आएगा भाई। बट जो बड़ा वाला जो हाथी है, मैंने गेम देखा हुआ है, वो जो बड़ा वाला हाथी है जिसका नाम है मैमस्टर, उससे फाइट नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एरो, और जितनी एरो बन सकती है सब बना लेंगे भाई, क्योंकि बैटल के टाइम पे एरो का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऑल राइट गाइस, मैंने 33 एरोज बना लिए हैं। अब दिखाते हैं जंगल के पाल्स को कि इस जंगल में कौन आया है। और वहाँ पर ऊपर मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे लिखा है कि अटैक पाल्स टू वीक देम, वीक करना है पाल्स को, उसके बाद में अपना पाल स्पीयर फेंकना है और उनको कैप्चर कर लेना है। तो भाई अगर मैं यहाँ से जंप मारते हुए नीचे जाऊँ तो मैं मरूंगा तो नहीं। ऑल राइट गाइस, तो मैं नीचे आ गया हूँ, और यहाँ पर मुझे दिख रही है एक चिकी पी, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इसको ही टैम किया जाए भाई, क्योंकि स्टार्ट थोड़े से नॉर्मल से वाले से करेंगे और उसके बाद में बड़े बड़े पाल्स को पकड़ेंगे। तो भाई आ जा जल्दी से, एक हो जा भाई, हो जा 100 100 100, हो गया भाई खतरनाक। तो उस मुर्गी को इससे फाइट करवाते हैं भाई, देखते हैं इनका बैटल, देखते हैं कि ये जो फाइटर भाई, इसको मैंने कमांड ही नहीं दिया, इसको मैं पहले कमांड दे दूँ कि एग्रेशन में रहना है भाई, हमेशा गुस्से में रहना है। तो दोबारा से वापस आ जा, और अब मैं दोबारा से इसके ऊपर फेंकता हूँ। अब देखो आप लोग बैटल भाई साहब, खतरनाक मुर्गी भाई हमारी, चिकी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी थोड़ी सी हेल्थ जा चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे भी इस फाइट के अंदर उतरना पड़ेगा। और इसका एक दोस्त भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था, बट कोई बात नहीं, हमारे पास में एरो है, तो इन लोगों को तो ऐसे ही हम लोग डाउन करने वाले हैं। तू आ जा भाई, मेरा पाल जो है तू आ जा, वरना चल देगी भाई, ये जमा हो जाएगी स्टार्ट के बैटल में, वो जमा हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो आगे थोड़े और भी पाल्स पकड़ने वाले। वहाँ पे मुझे एक दिख रहा है भाई कैटिवा, तो कैटिवा पकड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको यहाँ से मैं मारता हूँ, अपनी मुर्गी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मैं नहीं नहीं अगर मैं तीसरा मारने जाऊँगा तो भाई ये चल देगा, ख़त्म ही हो जाएगा। अबे मार दिया क्या, खत्म कर दिया, खत्म नहीं करना था यार, खत्म ही कर दिया यार, शिट। मैं सोचा कि थोड़ा बहुत ये फाइट करेगा, बट इसने खत्म ही कर दिया मार के। एक काम कर, तू रिटर्न आ जा तू। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी कैटिवा देखेंगे और दूसरी कैटिवा को पकड़ेंगे। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यहाँ पर एक और कैटिवा दिख रहा है, तो इसके साथ में पंगा लेते हैं और इसको मारते हैं, और इसको मैं खुद से ही मार के डायरेक्ट पकड़ लेता हूँ, वरना वारे दोबारा से उस मुर्गी को भेजूंगा तो उसको दोबारा से ये जान से मार देगी। तो भाई हमारे पास में दो दो यहाँ पर हो चुके हैं पोकेमॉन, एक है चिकीपी और एक है कैटिवा। तो कैटिवा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ज़्यादा कैटिवा का ही करेंगे, क्योंकि चिकीपी जो है वो इतनी कुछ स्ट्रांग वो नहीं है, पाल नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग कैटिवा को ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ढूंढता हूँ और भी बड़े बड़े पाल्स। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फाइट करने के बाद में थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो उनका खाने पीने का भी जो है वो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा, और मुझे जल्द से जल्द बेस भी बनाना होगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि शाम हो रही है और रात के अंदर जो इसके अंदर क्रिएचर्स आने वाले हैं वो मुझे आइडिया नहीं है भाई कि कैसे क्रिएचर्स आएंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेंजर ही आने वाले, फिलहाल अभी छोटे मोटे से आ रहे, जैसे कि इसका नाम क्या है, लंबाल है, और वो जो चिकीपी थी और कैटिवा थी, ये सब जो है वो छोटे मोटे हैं, बट रात होते ही यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर आने वाले हैं।
ऑल राइट गाइस, तो दिन बहुत ही जल्दी ढल गया है, तो मुझे यहाँ पर जल्दी से अपना एक बेस बनाना होगा, एक घर बनाना होगा, और यहाँ पर मुझे बेड डाल के सोना है और सुबह का वेट करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे घर बना लेता हूँ भाई। गाइस घर बनाने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी के अंदर जाके कुछ अनलॉक करना पड़ेगा, तो मैं वो जल्दी से अनलॉक कर लेता हूँ। मैं इसे अनलॉक करना है, मुझे और भी क्या अनलॉक कर सकता हूँ मैं, मुझे सिर्फ यही अनलॉक करना था क्या? तो ठीक है, अभी तो सिर्फ यही अनलॉक करना था। अब मैं इसे अपना घर बना सकता हूँ शायद से, तो मैं ट्राई करता हूँ भाई कि अपना घर बन जाए। तो ये मैं एक ये लगा देता हूँ और एक यहाँ पे लगा देते हैं, इसको ऐसे ही एक और सेट कर देंगे। यहाँ पर बड़ा घर नहीं बनाएंगे भाई, फिलहाल के लिए छोटा सा घर बना लेंगे, और जब हमारे पास में बहुत सारे पॉकीमॉन्स हो जाएंगे तब हम लोग जो है वो थोड़ा बड़ा भी घर बना लेंगे। तो ठीक है, हम लोग इतने बड़े में तो हम लोग सो ही जाएंगे भाई, क्योंकि मैं अकेला ही अभी सोने वाला हूँ। मेरे साथ में पाल्स तो है बट वो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि सोने की जगह नहीं रहेगी भाई। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपना जल्दी से घर बना लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा एक हट बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर सेट करना है एक बेड और उसके ऊपर सो जाना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बेड भी बना लेता हूँ, बेड। ऑल राइट गाइस, तो मेरा बेड फुल ऑन रेडी है, मैं जल्दी से इसके ऊपर स्लीप करता हूँ और अब मिलते हैं हम लोग सुबह में। ऑल राइट गाइस, तो सुबह हो गई है और मेरा कैरेक्टर उड़ गया है और ये रहा मेरा घर भाई। इतने जल्दी जल्दी में मैंने बनाया और जल्दी जल्दी में बनाने में मैंने इसके अंदर ना ही विंडो डाला ना ही डोर डाला। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अभी फिलहाल के लिए इस घर को ऐसे ही रखते हैं और चलते हैं अब पॉकीमॉन पकड़ने के लिए, वो भी बड़े बड़े। तो भाई इसके अंदर बहुत ही जल्दी रात हो जाती है, मुझे बहुत ध्यान देना है और जल्द से जल्द अपने घर के पास दोबारा से आना। तो ये भाई एक कैटिवा दिख रही है मुझे यहाँ पर, कैटिवा से फाइट किया रहा जाए क्या भाई? कैटिवा से फाइट हो गई है तो मैं इसकी मदद करता हूँ, वरना इसको मार देंगे भाई ये लोग। अबे भाई मार दिया। अरे यार शिट, मेरा पाल स्पीयर खराब हो गया। शिट यार, ये कैटिवा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। तू अंदर आजा, अंदर आजा, मुझे जल्दी से इसको अंदर लेना पड़ेगा, वरना यार ये सभी पाल्स को ऐसी मार देगी तो मैं किसी को भी कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक पॉकीमॉन दिखाता हूँ, एक पाल दिखाता हूँ। वो रहा सामने भाई, फायर वाला पाल है, उसका नाम मुझे पता नहीं है फिलहाल, बट गाइस मुझे उसको पकड़ना है। अब मैंने उसको देख लिया, मुझे पकड़ना है, बट गाइस यार थोड़ा सा मसला ये है कि वो तीन लोग हैं, अगर फाइट होगी तो तीनों एक साथ में ही फाइट करेंगे और मेरे पाल्स को वो लोग भाई चुटकियों में मार देंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट यार गाइस पाल तो पकड़ना ही है मुझे, इसे पकड़ ही लेते हैं भाई। फुल ऑन ट्राई करूंगा मैं इसे पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपना पाल फेंक देना चाहिए, अपना पाल स्पीयर फेंक देना चाहिए। तो भाई ये बहुत ज़्यादा मार तो खा गया। चलो ठीक है, मैंने ट्राई तो किया है बट यार अबे मार मत देना। तू वापिस आ तू। तो भाई मैंने अपना पाल स्पीयर फेंका तो है बट यार गाइस, हाँ पकड़े आ गया भाई, पकड़ लिया मैंने। अरे नहीं पकड़ में आया यार, ये क्या ही क्या चीज़ कर रहा है भाई ये। 80% हो गया, 80% हो जा 91 99 99 99 100 हो गया भाई, 100 हो गया, जबरदस्त। तो भाई अब इसके ऊपर मैं अपना पाल छोड़ता हूँ और इससे फाइट करवाता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है यार, तो फाइट करे ही जा रहा है। हाँ मेरा पाल फाइट करेगा, बैटल होएगी मेरे पाल के बीच में। इसका नाम फॉक्स पाक है। ओके भाई जबरदस्त, तो इसको मार ही देते हैं। नहीं मैं इसको भी पकड़ ही लेता हूँ, मेरे पास में पाल स्पीयर नहीं था। शिट, अगर मेरे पास में पाल स्पीयर होता तो मैं इसे भी पकड़ लेता था। ओके, तो गाइस यहाँ पर एक और मुझे पाल दिख रहा है, एक न्यू क्रिएचर दिख रहा है, इसका नाम है गुमोस भाई, अजीब सा नाम है इसका, बट कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो इसको पकड़ लेंगे। और मेरे पास में पाल पकड़ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक मैंने पाल्स पकड़ के रखा है भाई, फॉक्स पाक। तो भाई पकड़ ले भाई, क्या कर रहा है अभी, वो चाह रहा है भाई। अच्छा आग भी फेंक तो रहा है बट यार गाइस वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में भाग रहा है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो भाग जाएगा। तो इसको मैं वापस ले लेता हूँ और उसके पास जाके दोबारा से मैं छोड़ूंगा। मुझे उसे किसी भी हाल में पकड़ना है भाई, मुझे देखना है कि वो करता क्या है। स्पीड तो भाग रहा है भाई, दम तो है बंदे में, मतलब उसके अंदर दम तो है। तो मैंने इसको फेंका तो है अपने वाले पाल्स को, देखते हैं अब ये किससे फाइट करता है। यहाँ पे तीन पाल्स में भाई क्या कर रहा है, सुस्त हो गया क्या ये, इसको खाना नहीं खिलाएगा मैंने। चलो इससे फाइट करो, इसको पकड़ जल्दी। अबे यार ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, अब ये नीचे गया, वो नीचे गया, जल्दी जा नीचे गया। अरे यार तू वापिस आ, फिर से दोबारा से हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो गाइस अब ये आ गया है फुल ऑन खुले मैदान में, तो अब होगी यहाँ पे बैटल और ऑब्वियसली मेरा फॉक्स पार्क जीत जाएगा। भाई ये क्या रहा है भाई, ये बात क्यों नहीं मान रहा है। एक काम करता हूँ मैं दोबारा से, इसके एग्रेसिव बैटल तो मैंने दिया है ठीक है इसको, बट यार ये आ रहा नहीं है, मार रहा नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रही है ठीक से। ओके गाइस, तो मैंने अब अपना पाल जो है, वो भाई ये क्या है, ये क्या है, इससे फाइट करेंगे तो हमारा तो ये छुट्टी कर देगा भाई। अभी फिलहाल इससे फाइट करने के लायक नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरे पास में वो भी नहीं है, और ये जो मेरा भी इतना खतरनाक वाला पाल था। और ये क्या है भाई, मैं एक काम कर, ओ भाई मैं इधर उधर देख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे मेमोरेस्ट दिख गया भाई।
जबरदस्त भाई, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक खतरनाक पाल है और यहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ, क्योंकि बेस बना के अगर मैं फाइट करूंगा तो हो सकता है कि इन लोगों से मैं जीत सकूँ। फिलहाल इससे तो नहीं जीत पाऊंगा, बट ये जो सामने दिख रहा था ना, ये जो उड़ रहा है, इसका नाम क्या है वैसे, नाइट विंग पकड़ना है भाई मुझे। अब मुझे नाइट विंग पकड़ना है, मैं बनाने जा रहा हूँ अपना वेपन्स। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं अपना वर्कबेंच नहीं क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉस फैसिलिटी है भाई, मुझे लग रहा है कि वो बॉस है और इसके पास में मैं अभी ये क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें ओ भाई साहब सामने क्या भाई, यहाँ पे मैं हर बार जो है वो शॉक्ड हो जा रहा हूँ देख देख के इनको, क्योंकि ये मेलपेका है और मेलपेका भी हम लोग पकड़ने वाले। सामने की तरफ मुझे एक फास्ट ट्रेवल दिख रहा है, तो इसे मैं अनलॉक कर देता हूँ, ये हमें काम आएगा बाद में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जगह है भाई। यहाँ पे मुझे अलग अलग क्रिएचर्स दिखे हैं, तो इसको अनलॉक करते हैं, यहाँ पे हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। Alright guys, तो अब यहाँ पे मैं बना सकता हूँ अपने वेपन, और वेपन बनाने के बाद में वो जो नाइट विंग ढूंढ रहा था ना, ऊपर घूम रहा था, उसको पकड़ने की फुल ऑन ट्राई करूंगा मैं। Alright guys, तो मैं फुल ऑन रेडी हूँ वो नाइट विंग को पकड़ने के लिए, और मैंने अपनी फुल हेल्थ भी कर लिया है, मेरे फॉक्स पास की भी फुल हेल्थ कर लिया है, अब होगी यहाँ पे फाइट। बट गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये दो दो हो गए है और ये लोग मेरे ऊपर दोनों मिल के अटैक करेंगे भाई। अगर मैं इसके ऊपर अटैक किया तो दोनों लोग मेरे ऊपर मिल के अटैक करेंगे, तो वेट करते हैं एक के जाने का, और एक गया तो सेकंड वाला जो बचेगा उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको मार देंगे भाई। 10 का लेवल है इसका, इस नाइट विंग का 10 का लेवल है गाइज। ये लोग जब तक टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक बेरोजगार दिखा है, तो इस बेरोजगार से बात करते हैं और इससे पूछते कि क्या इसका मामला है भाई, इसका क्या टेंशन है, इससे बात कर लेते हैं। तो गाइज इससे मैंने बात किया और इसने मुझे फ्रैगमेंट दिया, वो भी 5-5 गाइज। बट इसने बोला है कि यहाँ पे अगर जिंदा रहना है और यहाँ पे राज करना है तो मुझे बहुत सारे पाल्स कलेक्ट करना होगा, और पाल्स कलेक्ट करने के लिए मुझे सबसे खतरनाक वाला पाल पकड़ना होगा। तो भाई मैंने यहाँ पे एक अपना पाल छोड़ तो दिया, वो भी खतरनाक वाला पहले पाल छोड़ा, मैं पीछे इसके पीछे छुप के फाइट करूंगा, और वो जब तक आएगा ना दूसरा वाला पाल जो वो उधर पे उड़ रहा है, जो इसका दोस्त है, वो जब तक आएगा तब तक हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वैसे तो ये वीक नहीं, अभी तक का वीक तो नहीं हुआ ये, अगर वीक हुआ होता तो मैं इसको ले लेता था भाई, तो बहुत ही खतरनाक। अरे मार दिया गाइस, मार दिया यार इसने। ऑलराइट गाइस, उसने तो मुझे मार दिया था, बट मैं दोबारा से स्पॉन हुआ हूँ, और जहाँ पे मैं मरा था ना, जहाँ पे मेरी डेथ हुई थी, वहाँ पे मैं दोबारा से जाऊँगा और उसको आज मैं मार के ही रहूँगा भाई, कुछ भी हो जाए आज वो खत्म है मेरे हाथ से। बहुत ही अच्छा बैटल किया था मैंने, और जो मेरा फॉक्स पार्क्स था उसने बहुत ही अच्छा बैटल किए थे इन दोनों ने मिलके। बट गाइज यार, वो लास्ट में जो मूव अपना दिखाया, सिग्नेचर मूव या फिर फिनिशर मूव अपना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था, और उसने मुझे मार दिया। थोड़ा सा बच गया मैं, अगर लेफ्ट साइड हुआ होता तो मैं बच जाता था, बट गाइज यार उसने मुझे लेफ्ट होने का मौका ही नहीं दिया, और बहुत ही खतरनाक उसने मूव दिखाया कि लास्ट में ही वो अपना मेन मूव बचा के रखा था और सामने से सीधा आके अटैक किया और मैं मर गया। और सामने की तरफ जो वो ब्लू लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे मुझे जाना है, वहाँ पर ही इसकी भाई अस्थियाँ पड़ी है, और वहाँ से ही जाके मैं अपना सब सामान जो है वो कलेक्ट कर सकता हूँ। और इस गेम में ये बहुत अच्छी बात है कि मरने के बाद में भी जो मैंने सब सामान कलेक्ट किया हुआ है, जो भी मेरे पास में लूट है, वो सब लूट मुझे दोबारा से मिल जाती है अगर मैं उसी जगह पर दोबारा से जाऊँ तो। भाई वो 10 के लेवल का पॉकीमोन था, पाल्स था, वो इतना खतरनाक था, ये 38 के लेवल का है, तो ये कितना खतरनाक होगा भाई, इससे फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे मजा तो मैंने अभी चख ही लिया है उससे फाइट करके नाइट विंग से, बट गाइज यार जितना ज्यादा अच्छा हार्ड बैटल नहीं दिखेगा उतना मजा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिख रहा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ले लेता हूँ इसके अंदर से। ओ 99 कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ब्रेड मिला, तो ठीक है भाई। और एक और मुझे सामने से एक बहुत ही बड़ा हिरन जाता हुआ दिख रहा है भाई, तो यहाँ पर ही मेरी भाई इंतकाल हुआ था मेरा यहाँ पे। तो ये रही मेरी समाज, ये रही मेरी मैयत भाई, ये रहा मेरा बॉक्स, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ सब कुछ मिल गया मुझे। ऑलराइट गाइस, तो मेरे पास में जो भी मैंने लूट कलेक्ट किया था वो सब लूट मेरे पास में आ गया है। बट गाइस मैं अब उसे ढूंढ रहा हूँ, तो वो मुझे मिल रहा है नहीं नाइट विंग्स। अगर मिलता तो मैं दोबारा से बैटल उससे लेता था, और उसको इस बार तो मैं पक्का मारने ही वाला था। फॉक्स पार्क बहुत ही अच्छी फाइट किया, बहुत ही अच्छा बैटल किया इसने, बट गाइस यार वो एंड में जो है मामला थोड़ा सा खराब हो गया। सामने की तरफ मुझे एक कुछ दिख रहा है ब्लू कलर का, तो वो मैं ले लेता हूँ। ये सामने ये जो ये हिरन भाग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी फाइट लिया जाए। बट यार गाइस मुझे लग रहा है कि मैं जितने छोटे लोगों से, मतलब जितने छोटे पाल से फाइट लूंगा उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। भाई यार यहाँ पे तो कुछ अच्छा ही मस्त सीन दिख रहा है यार, यहाँ पे जाके देख लेते हैं ये क्या है सामने, फाइट लिया जाए क्या इससे। चलो ठीक है, फाइट लेगी लेते हैं। तो भाई ये फॉक्स पार्क ही है, तो मैं इसे पानी के अंदर मारूंगा तो वो मेरे ऊपर हमला तो करेगा ऑब्वियसली। मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूँ अपना एक पाल। अब भाई इन लोग दोनों पैटल करेंगे, जो भी जीतेगा वो मेरे पास में आ जाएगा। वैसे तो मेरा मेरे पास में आने ही वाला है, मैं एक और बार इसको मारता हूँ भाई।
मेरी ये एरो खराब कर रहा है, मुझे लग रहा है ना ये मेरी एरो खराब कर रहा है। वैसे तो इसके कैप्चर तो हो जाना चाहिए अब। अरे यार शिट, मेरा एक पाल बियर पाल, हाँ अभी होगा, हाँ ठीक है चलो 94% हो जा, 100 हो जा, हो जा हो जा। पाल स्पीयर खराब कर दिया यार मेरा एक। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, तो तू भी आ जा भाई अंदर। तो मेरे पास में हो गए हैं अब टोटल 4 पाल्स है, एक चेकीपी है और एक कैटिवा है और 2 फॉक्स है। तो ऑल राइट गाइज, तो मैं फुल ऑन रेडी हूँ बैटल के लिए। बट यार गाइज वो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे मिलने वाला है इतने जल्दी। सामने की तरफ मुझे एक बहुत ही अंधेरी गुफा दिख रही है, जाके चेक करते हैं भाई वो क्या है। यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है, ये भी ले लेता हूँ मैं। मेरे को दिख गया भाई, वो दिख गया, वो रहा भाई, ये दिख गया भाई। फाइट, इसको पकड़ लेते भाई पहले, इसके पहले इसको पकड़ लेते हैं, ये भी काम आएगा। अबे भाई ये, ओ भाई 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 भाई, अबे इतना खतरनाक है यार ये। मुझे लगा कि छोटा सा है, मैं तो तुरंत मार के लेके चले जाऊंगा, बट यार गाइस मुझे बर्फ का बना दिया था, ये तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है यार। चलो इसको भी पकड़ लेते हैं, तू आजा अंदर, आजा भाई। 53% मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा भाई। एक और पाल स्पेयर मेरा वेस्ट जाने वाला है। आ गया, चलो ठीक है बढ़िया। तो मेरे पास में 5 पाल्स हो गए। अच्छा ये उड़ने वाला तो है, कैलेरा क्या ये, कैसा नाम है भाई कैलेरा। फाइट लिया जाए क्या, 4 का लेवल है इसका। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा ये भी कैलेरा ही है, मैं जो सोच रहा था वो नहीं है। तो एक और मुझे यहाँ पे पाल दिख रहा है, तो भाई इससे भी फाइट करो और इससे भी जो है वो जीतो और इसको भी पकड़ के लेकर चलते हैं। टोटल अभी मेरे पास में 3 पाल स्पेयर है, तो 3 पाल स्पेयर काम ही आ जाएगा भाई। इसको भाई इसको मारो, वरना ये, अबे मेरा इस मेरा एरो खत्म हो गया यार। शिट, मैं सोचा कि मेरे पास में बहुत सारा एरो होगा, बट गाइज यार मेरा एरो खत्म हो गया और ये मुझे लगता नहीं कि कैप्चर होगा ये, क्योंकि हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो भी आ जा अंदर। ये फाइट ले रहा था ना मेरे साथ में, बट यार इससे फाइट में ले तो लूँ, बट मेरे पास में एरो नहीं है, मुझे एरो बनाना होगा जल्द से जल्द। ऑलरेडी गाइस यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे पास में जब वो बॉल के अंदर ये पॉकीमॉन्स रहते हैं, ये पाल्स रहते हैं, तो ये लोग ऑटोमेटिक रिवाइव होते रहते हैं। यहाँ पे देखो इनकी हेल्थ जो है वो बढ़ रही है, तो ठीक है भाई इसको अंदर ही रखेंगे बॉल के, और जब काम रहेगा तभी ही निकालेंगे। मैं सोच रहा था कि एक पॉकीमॉन को मैं हमेशा अपने साथ में लेके चलूं, बट गाइस यार पाल्स को अंदर ही रहने देते हैं बॉल के, इससे क्या होता है कि वो लोग रिवाइव होते रहते हैं। इसे काम करते हैं, इससे जो है वो पंगा लेते हैं, और पंगा लेने के बाद में भाई इसको भी लेके चलते हैं। मेरे पास में 2 पाल स्पेयर है, बट यार गाइस वो वहाँ चले गए, तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि उससे पंगा ले पाएगा मेरा पाल। और एक जो है वो वहाँ पर है, तो पंगा लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है वो। गाइज यहाँ पे रात होने लगी है, और रात होने से पहले मैं अपने बेस के ऊपर पहुँच नहीं पाऊँगा, तो मैं यहाँ पर जल्दी से बना लेता हूँ एक टॉर्च। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने बेंच बना लिया है, अब जल्दी से बना लेते हैं एक टॉर्च, क्योंकि ये टॉर्च हमने बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि रात में इसको ठंडी लगने लग जाती है, और ठंडी लगेगी नहीं भाई, नंगा घूम रहा है ये पूरे आइलैंड के ऊपर, तो ठंडी लगना तो ऑब्वियस है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना मशाल जला लिया है। अब मेरे पास में मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा क्रिएचर आएगा, अगर आएगा भी तो हम लोग फाइट कर ही लेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास में पॉकीमॉन्स तो है, और यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है, तो इससे फाइट लेते हैं और इसको भी कैप्चर कर ही लेते हैं। भाई बैटल करो यार, क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, मुझे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करूँगा ना तो ये और जल्दी जल्दी फाइट मारेगा, और जल्दी जल्दी अपने आग फेंकेगा, और आग फेंकने के बाद में ये और जल्दी हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो भाई कैप्चर हुआ या, अरे नहीं हुआ यार कैप्चर, शिट मुझे थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए था। अब हो जाएगा कैप्चर, अब हो जाना चाहिए कैप्चर। 67%, 84, 99 और 100, चलो ठीक है बढ़िया। तो भाई मेरे पास में बहुत सारे फॉक्स हो गए हैं, मैं काउंट करूंगा तो 10-15 तो निकल ही जाएंगे। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, 4-5, 2-3 ही होंगे। यहाँ पे दिख रहे वैसे कितने हैं, 2 ही है मेरे पास में, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा 2 ही फॉक्स है मेरे पास में, मैंने सोचा कि 4-5 तो होंगे ही होंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से फास्ट ट्रैवल करते हैं और अपने बेस पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने बेस पे तो डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पे पाल बॉक्स ही नहीं ओपन किया है भाई। पाल बॉक्स मुझे बनाना होगा, उसके बाद ही मैं अपने बेस पे डायरेक्ट ट्रैवल कर सकता हूँ। बट ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या गिरा है, अच्छा तो कुछ तो था वो मैंने ले लिया, बट अच्छा वुडन क्लब था, अच्छा वुडन क्लब वहाँ पे वैसे कैसे पड़ा था, ठीक है कोई बात नहीं। गाइस नीचे की तरफ मुझे बहुत ही खतरनाक वाले पाल दिख रहे हैं भाई, क्या नाम है इसका, डैड ड्रीम। तो इन लोगों को पकड़ा जाए भाई, अरे मेरी हेल्थ चले जाएगी, नहीं गई। तो भाई अब होगी बैटल, और बैटल में हमारा ऑब्वियसली हमारा जीत ही जाएगा भाई, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मार सकती है यार, क्योंकि इसका लेवल 7 का है। ओहो हो, अच्छा सो मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ऑल राइट गाइस, ये बढ़िया था यार।
तो मैंने मार तो दिया है उसको, और शायद से उसको थोड़ी हेल्थ भी जो है वो कम हो गई। इतनी हेल्थ पे मैं नहीं अपना पाल स्पेयर जो है वो वेस्ट करूंगा। अरे भाई मेरा पाल डेंजर में है, आ जा, डेंजर में था, मैंने उसको ले तो लिया है। एक बार मैं पाल स्पेयर फेंक के देखता हूँ भाई इसके ऊपर। अभी शिट, ये तो मेरे को ही मार रही है भाई। इसके पहले ये मुझे मार के डाउन कर दे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ भाई। इसका जो पॉइजन था वो पॉइजन मेरे को लग गया और मेरे साथ में ही आ रहा है, मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है भाई। पॉइजन से निकल जा। एक और पाल ट्राई करेंगे भाई इसके ऊपर। भाई पाल ही नहीं ट्राई कर पा रहा हूं मैं। अच्छा हाँ आया, हाँ अब एक और मैंने पाल फेंका है उसके ऊपर। फॉक्स ही है मेरे पास में दूसरा भी, और मेरे पास में स्पीयर नहीं है। पाल स्पीयर मेरा क्या हो गया, मेरे पास में दो पाल स्पीयर था मुझे जहां तक याद है, मेरे शायद से फेंक दिया यार ये पाल स्पीयर। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये मार देगा उसे मेरा जो फॉक्स है। मैं भी पीछे से जाके मारने की कोशिश करता हूँ भाई। मार तो दिए यार इसे, बट यार गाइस मुझे इसे मारना नहीं था, इसे मुझे कैद करना था। मेरे पास में कास्ट पाल स्पीयर होता तो मैं इसे कैद कर लेता। बहुत अच्छा सा पॉकीमॉन मुझे दिख रहा था और थोड़ा मुझे ये टफ भी दिख रहा था भाई। तो इसको वापस से अंदर बुलाते हैं, बॉल के अंदर रखते हैं और चलते हैं पाल स्पीयर बनाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपने बेस के करीब पहुंच गया हूं। बस मुझे यहां पे सोना है और सुबह उठ के ये जो दिख रहे हैं ना ये लोग, इन लोगों को मुझे पकड़ना है। बट उसके पहले मुझे पाल स्पीयर बनाना होगा। ऑल राइट गाइस, तो मुर्गे की बांध सुनते ही अपना रॉकी भाई उठ चुका है। अभी फिलहाल अब इसकी टॉर्च की ज़रूरत नहीं है और ये अभी भी यहाँ पर ही है, तो मुझे इसे पकड़ना तो है। बट यार गाइस मेरे पास में पाल स्पीयर नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पाल स्पीयर बना के जल्दी से इन लोगों को पकड़ना है। और मेरा यहाँ पर मैंने बेंच बनाया हुआ था, बेंच किधर गया, बेंच मैंने तोड़ दिया था क्या? ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा लूट कलेक्ट कर लिया है, ओवर लूट कलेक्ट कर लिया है मैंने एक्चुअली। और यहाँ पे मुझे ट्यूटोरियल के ऊपर भी ध्यान देना है, तो यहाँ पे मुझे एक पाल बॉक्स बनाना है, तो पाल बॉक्स बना लेते हैं। पाल बॉक्स बनाने पहले मुझे यहाँ पे बनाना होगा एक बेंच। ऑल राइट गाइस, तो मैंने बेंच बना लिया है और यहाँ पे मैं स्पीयर बना सकता हूँ, तो मैं स्पीयर भी जितना बना सकते हैं 11 स्पीयर बना सकते हैं भाई, तो 11 स्पीयर बना लेते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैं पाल बॉक्स बनाने की ट्राई कर रहा था और ये दो जो क्रिएचर है मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मैं अपना क्रिएचर फेंकता हूँ फॉक्स के साथ में इन लोग फाइट करेंगे, और फॉक्स के साथ में तो मुझे लगता नहीं कि ये लोग जीत पाएंगे। बट यार गाइस मेरा फॉक्स डेंजर में आ गया मुझे लग रहा है, तो इसको दोबारा बुलाते हैं और दूसरा फॉक्स निकालते हैं भाई। जल्द से जल्द मुझे दूसरा फॉक्स निकालना होगा भाई। हाँ अब ठीक है, अब ये न्यू फॉक्स है और ये फुल ऑन एनर्जी में है भाई, तो अब होगी फाइट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वाली। अगर मैं इसे पहले ही अपना बेस बना लेता तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मेरे से जीत भी पाते भाई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे अपना एरो बना लेना चाहिए था भाई, एरो बना लेता तो मज़ा आ जाता था। बट यार गाइस मेरे पास में एरो नहीं है, इसका थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको मैं बैट से ही मार दूंगा। वेट, तो भाई गाइस मैं बैट से इसे मार तो रहा हूँ, वुडन क्लब से मैं मार तो रहा हूँ, बट यार गाइस इतना ज़्यादा इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि ये अब मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। कलेक्ट हो जा, 72% कलेक्ट हो गया, 72% कलेक्ट हो गया, 87, 99 और 100 भाई। तो एक हमारे पास में आ गया हु क्रेट्स, तो भाई ये खतरनाक हो गया भाई अपना सीन। और मुझे लग रहा है कि एक फाइट इनके साथ में हो जाना चाहिए। इसको कौन मार दिया, मुझे लग रहा है कि मेरा फॉक्स इसे मार दिया होगा और ये भी डेंजर में आ गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ भाई अंदर। और अब बनाते हैं पाल बॉक्स, और ये कहीं जा रहा नहीं है, इसको बाद में हम लोग जो है बाद में कैप्चर कर लेंगे। और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और धीरे धीरे बढ़ रही है वैसे। ठीक है पाल बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद में देखते हैं अपनी हेल्थ को। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर मैं अपना पाल बॉक्स बना लेता हूँ, और पाल बॉक्स क्रिएट करने के बाद में अपने बेस को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं और अपने पाल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो पाल्स बॉक्स मैंने बना लिया है, और ऊपर का जो ट्यूटोरियल था वो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए अभी। टैब यूज़ इन्वेंटरी सेव फिंगर, ओके ठीक है भाई, तो मैं देख लेता हूँ ये चीज़ क्या है। ओके गाइस, तो मैंने अपना लेवल अप कर लिया है अभी अभी, और टैब करके मैं अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकता हूँ, इन्हेंस कर सकता हूँ। तो इन्हेंस करने के लिए मैं हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, स्टैमिना बढ़ा लेता हूँ, अटैक बढ़ा लेता हूँ। अभी भी मेरे पास में दो चीज़ें, तो अटैक और स्टैमिना बढ़ा लेते, ठीक है। हाँ इतना ठीक, अगर मेरे पास में एक और पॉइंट होता तो मैं एक और हेल्थ बढ़ा लेता, बट यार गाइस ठीक है अभी के लिए ओके करते हैं और बैक करते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग की अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए मुझे बनाना होगा बिल्ड वुडन चेस्ट। अच्छा वुडन चेस्ट मुझे पता है भाई कैसे बनता है, तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से वो भी। अरे यार गाइस मेरे पास में लूट नहीं है, तो मैं लूट लेकर आता हूँ पहले। ऑलराइट गाइस, तो मैंने स्टोन और वुड में लेकर आ गया हूँ, कलेक्ट कर लिया हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं बेंच बनाता हूँ, सॉरी बेंच नहीं, मैं वुडन चेस्ट बनाते हैं हम लोग। और वुडन चेस्ट इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैं पाल्स रखूँगा वो लोग कुछ तोड़ के लेकर आएंगे, जैसे वुड तोड़ के लेकर आएंगे या फिर
स्टोन तोड़ के लेकर आएंगे तो वो लोग इसी के अंदर अपने सामान रखेंगे और वो हमारे ही काम आने वाले। वेपन इज डैमेज, ओके ठीक है, तो भाई ये मेरा वेपन जो है वो डैमेज हो चुका है तो इसको भी मुझे रिपेयर करना होगा। ऑल राइट गाइस, वेपन डैमेज हो गया है और उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक रिपेयर बेंच मिलता है, तो मैं इसे भी अनलॉक कर लेता हूँ और अनलॉक करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पॉन कर दिया है इसे और इसे बिल्ड करते हैं और मेरे पास में जो भी वेपन है जो कि डैमेज हो गया है उसे यहाँ से जल्द हम लोग रिपेयर कर लेंगे। और मैंने देखा था कि मेरा वो भी जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, थोड़ी सी हेल्थ बची है उसकी, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे रिपेयर कर लेंगे, बट ये जल्द से जल्द बन जाए। और गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मिशन कंप्लीट पाल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल, तो यार गाइस जो अभी हम लोगों ने पाल बॉक्स बनाया है ना उसके अंदर अपग्रेड जो है वो अवेलेबल हो गया, तो वहाँ पे वो भी अपग्रेड कर लेंगे, देखते हैं अपग्रेड करके क्या होता है। और ऊपर जो ट्यूटोरियल है वो भी लगातार चेंज हुए जा रहा है। ऑल राइट गाइस, तो अब देखते हैं अपना वेपन जो है वो उसे हम लोग रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे तो रिपेयर कर दिया है, मेरे पास में ये भी है, ओल्ड बो भी है, इसे रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ स्टोन चाहिए होंगे और अच्छा एक्स, मेरा स्टोन एक्स मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज है, मेरा बो ठीक ठाक है तो स्टोन एक्स हम लोग थोड़ी देर के बाद में अपग्रेड करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि क्या अपग्रेड अवेलेबल है इसके अंदर, और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकाल के ऊपर रखते हैं और इसे नीचे रखते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा काम करेगा। ये भाई ये बहुत ही सुस्त सा मुझे लग रहा था, तो इसको हम लोग अंदर रखते हैं, फाइट करने में ये काम आएगा। तो अब देखते हैं कि ये भाई मैंने बोला ना ये अच्छा काम करेगा भाई, क्योंकि ये दिखता है भाई मेहनती दिखता है ये, और ये पत्थर ला के इसके अंदर चेस्ट के अंदर रखेगा और हमें बाद में वो काम आएगा। तो भाई मिशन कंप्लीट, अच्छा बॉक्स है और ये मैंने देखा ही नहीं यार, अच्छा मैंने वो देखा ही नहीं, ठीक है हम लोग अपग्रेड करने के लिए बेस अपग्रेड करता हूँ मैं यहाँ से, और बेस मैंने अपग्रेड कर दिया है और बेस अपग्रेड करने के बाद में और भी अपग्रेड हो रहा है भाई, लेवल 3 पे चले गए बेस, बिल्ड फीड बॉक्स और बिल्ड स्ट्रॉबर, अच्छा ठीक है भाई ये दोनों मुझे बिल्ड करना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने बैट को अनलॉक कर दिया है और फीड बॉक्स को भी मैंने अनलॉक कर दिया है, अब मुझे यहाँ पे स्पॉन करना होगा दोनों ही को, क्योंकि यार गाइस जो मेरे पाल है यहाँ पे दिन भर मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद में उन लोगों को अच्छा सा बैट चाहिए सोने के लिए और अच्छा खाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बिल्ड कर लेता हूँ जल्द से वो दोनों ही चीज़। अभी जो मैंने अनलॉक किया है ये रहा फीड बॉक्स, बट यार गाइस मेरे पास में थोड़ा सा लूट कम है तो मैं लूट कराता हूँ जल्द से। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे फीड बॉक्स को यहाँ पे स्पॉन कर देता हूँ और स्पॉन करने के बाद में मुझे इसे बिल्ड भी करना होगा। और अब देखो मैं जब बिल्ड कर रहा हूँ ना तो ये जो है मेरे साथ में मेरा पॉकीमॉन ये भी मेरी हेल्प कर रहा है इसके के अंदर इसको बिल्ड करने के लिए। तो भाई ये कैटिबा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, और ये भाई ये इतना ज़्यादा मेहनती नहीं था, ये मेरा दुश्मन है भाई, ये मेरा वाला पॉकीमॉन नहीं है, मैं इससे फाइट करने चाह रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। मैं एक और बैट भी मैंने स्पॉन किया था, मतलब अनलॉक किया था, तो वो भी मैं यहाँ पे, अरे यार गाइस फिर से ये बूट कम पड़ रहा है। ओके तो गाइस पाल बैट भी मैंने यहाँ पे स्पॉन कर दिया है, अब मुझे यहाँ पे इसे बिल्ड करना है और बिल्ड करने में कैटिबा मेरी मदद करेगा, तो जल्दी से ये बिल्ड हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ वो जो नाइट था, वो जो भाई नाइट विंग था, क्या नाम था उसका, नाइट विंग था, हाँ नाइट विंग को मारने के लिए, और नाइट विंग को मारने में मेरी मदद करेगा मेरा फॉक्स। और यहाँ पे दो तीन मैं यहाँ पे मैं सेट करके चले जाता हूँ, ये क्या है, अच्छा ओके ये तो मैंने लिया ही नहीं था, मैं ये ले लेता हूँ भाई। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पे फुल ऑन प्लानिंग कर लिया है उस नाइट विंड्स को मारने के लिए, 3 फॉक्स ले लिया है मैंने, हुक रेट्स ले लिया एक, और एक है मेरे पास में पेंगुइन, और 3 लोगों को यहाँ पे मैंने बेस पे रख दिया। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपना एरो और फिर चलेंगे नाइट विंग्स को मारने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अब हम लोग हो गए हैं फुल ऑन रेडी, बट गाइस मुझे लग रहा है कि इसको कपड़े भी पहना देना चाहिए, तो पहले इसको कपड़े पहनाते हैं उसके बाद में चलते हैं उससे फाइट करने के लिए नाइट विंग्स से। भाई कपड़े पहनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्लोथ्स को अनलॉक करना होगा और क्लोथ्स आउटफिट को भी अनलॉक करना होगा, मैंने दोनों को ही अनलॉक कर लिया है, अब बनाते हैं अपने रॉकी भाई के लिए एक अच्छा सा क्लोथ। ऑल राइट गाइस, तो मेरा आउटफिट फुल ऑन रेडी है और मैंने इससे स्टार्ट प्रोडक्शन किया और ये बनाते हैं हम लोग और पहन के यहाँ से निकलते, अभी नहीं निकलेंगे, सुबह होने का वेट करेंगे और उसके बाद में निकलेंगे नाइट विंग्स को पकड़ने के लिए। बट गाइस यार वो उसका नाइट विंग्स भले ही नाम है बट वो नाइट में नहीं आता है, वो दिन में आता है, दिन में आएगा उसको हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे। भाई ये बार बार इसको उठा क्यों रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूँ और वो बार बार उसको उठा के बाहर फेंक दे रहा है। तो भाई सब खतरनाक हो गया भाई हमारा रॉकी भाई, तो चलते अब सोते हैं, अब मिलते हैं सुबह में। ऑल राइट गाइस, तो मुर्ने ने अपनी बांध दे दिया है, अब चलते हैं उससे फाइट करते हैं और उसको पकड़ के ही लेकर आएंगे। भाई नहीं पकड़ेंगे तो मैं जब तक गेम ही नहीं बंद करूंगा, ये गेम जितना भी लंबा हो जाए, ये वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, होने देते हैं। बट गाइस यार उसको पकड़ के ही लेकर आएंगे, मेरे पास में लगभग सभी पॉकीमॉन है, मैं एक बार पॉकीमॉन की लिस्ट देख लेता हूँ भाई, 3-3 है, चलो ठीक है। ऑल राइट, मेरे पास में फॉक्स है, मतलब मेरे पास में पूरी की पूरी आर्मी है, और मेरे पास में एरो भी बहुत सारी है, पाल इस पर भी बहुत सारा है, बट गाइस वो मिलना चाहिए बस। नाइट विंग्स दिख गया तो नाइट विंग्स को हम लोग पकड़ेंगे ही आज। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि नाइट विंग्स को हम लोग पकड़ने ही वाले, बट गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों को भी पकड़ के लेकर चलते हैं। मैंने इसका अभी तक का
देखा नहीं है कि ये कैसे फाइट करता है, मैं इसकी फाइट देखना चाहता हूँ कि ये फाइट में मारता क्या है भाई। अभी ये क्या सो जाता है भाई, ये कैसा फाइट करता है यार। मुझे लगता है कि मैंने यार इसके ऊपर वेस्ट कर दिया। अबे ये मेरे से क्यों फाइट कर रहा है, मेरे पाल से फाइट कर लेना भाई। अच्छा तीन तीन है, हाँ तो भाई एक काम कर तू आ जा। हाँ चलो ठीक है, मुझे लगता है कि आ जाएगा ये 64% 64 80। अबे यार ये मेरे पीछे क्यों लग रहा है, 100% हो गया। चल ठीक है भाई, चल वो भी आ गया, अब निकलते हैं यहाँ से। मुझे उसके ऊपर टाइम वेस्ट, ओ मिल गया भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, इसी चीज़ का तो वेट था। मत मेरे पास में 29 है और ये रहा मेरा भाई ज़बरदस्त वाला फॉक्स। अब होगी ना फाइट। अच्छा भाई भाई, अच्छा ये अपना मूव इस बार तो अभी दिखा दिया है, चलो ठीक है। तो मेरा अभी तो वो डेंजर में नहीं है। ओ हे 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 हे, बच गए भाई, खतरनाक वाला बचे है। आजा 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 आजा। तो भाई ये बैठ चुका, मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही अच्छा मौका इसको मारने का। बैठा तो था, वापस ही उड़ने लगा। बट यार गाइस इसका जो वो मूव है ना, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मूव है। अब आ तो जाना चाहिए यार हाथ में ये, मैं ट्राई करूँ क्या एक बार फेंकने की। हाँ एक बार मैंने ट्राई तो किया है गाइस, बट यार यार वो नहीं आया, नहीं आया। अरे यार ये मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है, मुझे बच बच के खेलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई। एक बार और लग जा लग जा लग जा भाई। मेरा यहाँ पे ना, मेरा यहाँ पे पाल जो है वो मर गया, वाला पाल जो मेरे पास, मेरा जो पाल पहले लड़ रहा था वो मर गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये आ जाना चाहिए अपने हाथ में। अबे भाई दोबारा से नहीं आया यार ये, अब तो आना ही चाहिए। तो भाई आजा आजा, 70% आके नहीं आया भाई, 70% आके नहीं आया। शीट यार दोबारा से मार दिया यार उसने, शीट 70% होने के बाद में भी नहीं आया यार। बहुत ही खतरनाक पाल है यार ये, दो बार मार चुका एक दिन में मुझे। तो गाइस दो बार उसने मुझे मार दिया है, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा से यहाँ पे वापस से तैयारी करूँगा और उसको मैं पकड़ के ही रहूँगा आज के दिन। तो गाइस ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ पर ही, और मुझे यहाँ पे एक पाल स्पेयर मिल गया और ये यहाँ पर ही दिख रहा है मुझे, ये भाई गया है ये 100%। मैं अब इसको मारने ही वाला हूँ, मेरे पास में जितने भी पाल्स थे वो सब पाल्स मुझे मिलना चाहिए बस। अगर मेरे पास में सब पाल्स मिल गए ना, तो मैं दोबारा से इससे फाइट अभी ही बैटल स्टार्ट करूँगा और अभी इसको मैं मार के गिरा दूंगा। मेरे पास में क्लोथ्स वगैरह सब है। ओके तो ठीक है भाई, मेरे पास में जो जो था सब मेरे पास वापस आ गया, तो अब इससे फाइट करते हैं। और इससे फाइट करने के बाद में इसको फुल ऑन भाई भाई धोते हैं, इसको पकड़ के धो डालेंगे भाई अब की इसको। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे फुल ऑन मैं रेडी हो गया हूँ दोबारा से इससे बैटल लेने के लिए। और इस बार मैं अपना पाल छोड़ूंगा, इसी को ही छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त पाल है भाई। अब होगी फाइट यहाँ पे खतरनाक वाली। भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट करता है यार, दो बार मुझे ऑलरेडी मार चुका है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा न्यू हूँ अभी इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा भाई फ्रेशर हूँ मैं इसके लिए, एक्चुअली ऐसा समझ लो कि मैं फ्रेशर हूँ इसके लिए। बट यार गाइस फिर भी यार इसको मारना तो चाहिए। मेरा पाल किधर गया, मेरा पाल मर गया भाई, मेरा पाल मर गया। मुझे अब भागना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना भागना पड़ेगा यहाँ से। मेरे पास में कोई पाल है क्या जिंदा? अरे यार ये गाइस ये मुझे मार देगा यार। हाँ ये एक पाल है, अब इससे फाइट कर भाई, इससे फाइट कर तू, इससे फाइट कर, हाँ इससे फाइट कर। मुझे अपने पाल की फुल ऑन हेल्थ लेकर आना चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा है, वरना मैं एक और पाल जो है, मेरा ये पाल जो है वो क्या करता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इसके बाद इस पाल को मैं फेंकने वाला हूँ भाई। अबे यार अबे आजा आजा भाई आजा आजा आजा। अरे शीट फिर मार दिया यार इसने। गाइस मैं खुद को वापस से रिवाइव तो कर लिया हूँ और जो इसने मारा था मुझे नाइट विंग्स वो भी सामने मेरे दिख रहा है। बट गाइस यार मेरे पास एक भी पाल ऐसा नहीं है जो कि उससे पंगा ले सके। वैसे एक पाल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और मैं वापस से एक बार और पंगा लेना चाहता हूँ यार गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे मार सकता हूँ। एक और बार पंगा लेते हैं गाइस, एक और बार मैंने पंगा ले लिया भाई। ऑलरेडी इसने मुझे तीन बार मार चुका है और ये जो मेरा पाल है, ये पाल भाई फाइट कर ले एकदम अच्छी तगड़ी वाली, और तगड़ी वाली फाइट करेगा तो ही मुझे लगता है कि हम लोग जीत सकते हैं भाई। एक फटका तो लग गया उसको। ओ हो ये बहुत ही खतरनाक मूव है इसका भाई, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूव है इसका।
असल में सिर्फ मैं फाइट, अगर वो ही सिर्फ फाइट करते रहेगा ना मेरा पाल, तो मेरे ऊपर ये अटैक नहीं करेगा, मेरा पाल मर जाएगा ठीक है, बट मुझे नहीं मरना चाहिए यार गाइस। मैं जो ऐसा लगता है और मुझे लग रहा है कि अब ये आ जाएगा मेरे हाथ में। अबे मार दिया यार मेरा पाल, शिट यार, इसे मारना नहीं था, इसे पकड़ना था यार, शिट यार, इसने तो बदला ले लिया यार, इसने मुझे ऐसा लग रहा है कि बदला ले लिया, तीन बार इसने मुझे मार के गिराया, बट यार गाइस मुझे इसे सच में मारना नहीं था, मुझे इसे पकड़ना था। आर्मर इज डैमेज, मेरा आर्मर भी जो है वो डैमेज हो गया है, बट गाइस मुझे लग रहा है कि बदला ले लिए हम लोग, बट यार गाइस यार शिट, मुझे पकड़ना था इसे, बट किसी कारण ये मर गया, मेरे पाल ने इसे मार लिया। मैंने दो बार ट्राई किया इसको पकड़ने के लिए, और लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था 78% ये हमारे कैद में आ गया था, बट लास्ट में जो है ये इसने मेरा पाल स्पीयर जो है वो फेंक दिया और पकड़ में कैद में नहीं आया, कैप्चर नहीं हुआ। बट गाइस कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसको ढूंढेंगे और इसको पकड़ के ही रहेंगे भाई। आज नहीं पकड़ पाए तो क्या हुआ, मार दिए, ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं पाए, पकड़ लेते थे हम लोग। 78% एक बार गया, एक बार 82% गया, और एक बार तो हम लोगों ने इसको मार ही गिराया। बट गाइस ये बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन है, बहुत ही तगड़ा पाल है। तो गाइस इसी बात पे एक लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.